हरे कृष्णा व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज चंद्र ग्रहण है तो मैं नवनीत आज आप सबके समक्ष चंद्र ग्रहण के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बहुत से YouTube पे बहुत सी वीडियोस देख रहा हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ कवर करूँगा, जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वो किसी यूट्यूबर ने अभी तक इस बारे में नहीं बताया है। देखिए, चंद्र ग्रहण आज रात को 11:54 पे शुरू होगा और सुबह 3:48 AM पे ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत सी YouTube वीडियोस हैं जिसमें बोला गया है कि ऐसे इफेक्ट्स आएंगे, ऐसा होगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, मानसिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आई एग्री टू सम एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि चंद्र ग्रहण सावन के महीने में आ रहा है, और सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को अति प्रिय है। अब भगवान शिव को अति प्रिय इसलिए है, उसमें बहुत से कारण है ये क्यों प्रिय है। पहला कारण ये है कि सावन के महीने में विष्णु जी जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, वो विश्राम करते हैं, और पूरे संसार का जो ऑपरेशनल काम है वो भगवान शिव जी के पास होता है। और दूसरा, माँ पार्वती को भगवान शिव जी ने राम कथा भी श्रावण महीने में ही सुनाई थी। तो ये दो चीज़ें हैं। अब जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि सावन के महीने में सारा कंट्रोल, सारा ऑपरेशन ब्रह्मांड का भोलेनाथ के हाथ में है, इसीलिए उनको खुश किया जाता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। तो अब आप ये देखिए ना कि जो ग्रहण हो रहा है उस पर भी भोलेनाथ बैठे हैं ना हमारे लिए, तो वो और जो चंद्रदेव हैं वो तो भोलेनाथ के मस्तक पे ऊपर विराजमान हैं, तो वो तो उनका पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये श्रावण महीने में ना आया होता तो मैं कह सकता था कि मानसिक तौर पर तकरीबन जहाँ जिनका चंद्रमा अस्त है या चंद्रमा अष्टम है या जिनके कुंडली के अंदर ग्रहण योग है, ग्रहण योग यानी कि चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ केतु है, या सूर्य के साथ राहु है, सूर्य के साथ केतु है, ठीक है, तो ये पितृ दोष भी कहलाते हैं, ग्रहण दोष भी कहलाते हैं, तो इन अगर ऐसे योग हैं तो उनको मानसिक तौर पर इफेक्ट कर सकता था। पर अब आपको क्या करना है, देखो आप कुछ प्रिकॉशंस हैं मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। पहली बात, एक तो सूतक जो है सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है, तो 2:54 पे सूतक लग जाएगा। सूतक लगने के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, पूजा अर्चना शुभ काम नहीं किए जाते, कोई स्टोन्स वगैरह डालने हो तो वो नहीं डाले जाते, तो कोई भी शुभ काम एक तो नहीं करना होता है, सारा ध्यान जो है आराधना में लगाना होता है। तो अब उसके बाद जो है आप ओम नमः शिवाय की मालाएं करनी शुरू कर दीजिए, चाहे सूतक के बाद करनी शुरू कर दें या जैसे ही आपका ग्रहण शुरू होगा 11:54 पे, उस समय बैठ के मुंह हाथ धोकर आप पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, ओम नमः शिवाय की माला करें, और एक माला करने के बाद भोलेनाथ से अरदास करें, उनको प्रेयर करें, उन्हें कहें हे भोलेनाथ आप चंद्रमा जी का ध्यान रखना, चंद्रदेव का आप ध्यान रखना। अब देखो इतने करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, सब एक एक माला कर दें, भारत में ही कर दें चलो, ठीक है, तो इतनी करोड़ मालाएं चंद्रदेव के लिए हो जाएंगी, तो चंद्रदेव का ग्रहण क्या करेगा, भोलेनाथ के लिए तो ये सब खिलौने हैं और वो तो अपने आप चंद्रदेव को मैनेज कर लेंगे। आप सिर्फ एक माला ओम नमः शिवाय की करके चंद्रदेव को डेडिकेट कर दें कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ठीक है, चंद्रदेव को आज ग्रहण लगने वाला है, लग गया है, आप उनका ध्यान रखना, बस इतना सा आप कह दें। उसके बाद चंद्रदेव को जो है थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है, अपने कुंडली के अंदर चंद्रमा को स्ट्रेंथ देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। इसके अलावा वैसे तो बेस्ट जो है वो ओम नमः शिवाय का आप पाठ करें, करते रहें 16, 18, 20, 64, 32 जितनी मालाएं आपको हो सकती हैं वो करें। चंद्र दहन के दौरान कुछ खाएं नहीं, कुछ पिए नहीं। जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये है कि वो अपने पेट पे अगर गेरू की मिट्टी आती है उसका लेप कर सकें, अपने आसपास कुशा रख सकें,
और वैसे तो कहा गया है कि सोना नहीं चाहिए जब कोई भी ग्रहण लगाओ, लेकिन रात का टाइम है, पीक आवर्स 11:30-12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक नींद आ ही जाएगी, पर फिर भी जो है थोड़ा गेरू की मिट्टी का जो है उसको जो है आप वो लगा लें, अप्लाई कर लें, और साथ में आप जो है कुशा रख लें, खाने के आसपास कुशा रख लें, जो 11:54 के बाद कुछ खाएं पिए नहीं, उससे पहले ही भोजन खा लें, वेजिटेरियन रहें, ड्रिंक्स ना लें आज, राइट। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपको चंद्र ग्रहण बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो आई होप इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो, वेरी क्रिस्प, यू नो भोलेनाथ इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस चंद्र ग्रहण, डू नॉट वरी ऑन दैट, राइट। तो आई थिंक इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल व्यासा एस्ट्रो चैनल, एंड टिल देन Hare Krishna, I'll come up with more videos. God bless you all. I love you all. Thank you.